तेरह साल का था जब मैंने गाड़ी की जा सीखी थी मतलब उस समय एम्बेसडर गाड़ी और आज की डेट में एम्बेसडर गाड़ी जो है वो कोई चला ही नहीं सकता लोग दौड़ते हैं तो मैराथन टाइप जो है वो एक इवेंट बन गया मैं अपने घर से दौड़ना शुरू करता था मैं नगरोटे तक दौड़ता था और आज अगर किसी ने जाना हो इतनी दौड़ लगानी हो तो वो तो प्राइज़ देगा मेरा एमरजेंसी के पीरियड में मैं फुटबॉल भी मैंने खेला मैंने क्रिकेट भी खेला मैंने बैडमिंटन भी खेला कहते हैं कि भगवान शिव की शादी जो है सुदबादेर में हुई गोरी कुंड है वहां पर लेकिन हमने इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया जैसे कि यहाँ पर भगवान शिव की शादी हुई थी वो चीजें जो है वो हाईलाइट करने की जरूरत है वर्ल्ड लेवल पे बहुरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना बहुरे ताल मिले नदी के जल में नमस्कार टेकोन देख रहे हैं आप मैं हूं रोहित शर्मा आज की इस खास मुलाकात के खास एपिसोड में हमारे साथ जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हैं चैंबर एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर तमाम निगाहें पूरे बिजनेस कम्युनिटी की रहती हैं और एक ऐसा रोल पूरे रियासत के अंदर चैंबर प्ले करती है जिसको लेकर एक अहम भूमिका और निगाहें लोगों की जिस प्रकार रहती हैं वहीं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के साथ किस प्रकार तालमेल रहता है और क्या प्रयास क्या प्रयत्न जो है वो चैंबर की तरफ से अपनी रीजन को ये सुधार के लिए तरक्की के लिए लिए जाते हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम बात करेंगे हमारे साथ अरुण गुप्ता जी अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद अरुण जी बतौर प्रेसिडेंट चैम्बर की बात करें आपका दूसरा टेनर है और अभी तक इस टेनर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव चेंजेस जो आपके टेनर में देखने को मिली है कितना बड़ा चैलेंज रहता है इस पूरी संगठन को इस पूरे एक जिम्मेवारी को निभाने के लिए देखिए एक समय था जब चैम्बर जो है वो कुछ बाज़ारों को लेकर के रिप्रेजेंट करती थी और कुछ इंडस्ट्रियल पोर्शन था जिसको रिप्रेजेंट किया जाता था लेकिन आज का अगर आप इसका चैम्बर का अदारा देखें तो हर एक की निगाह जो है चाहे वो लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक कोई भी बिज़नेस कम्युनिटी का व्यक्ति होगा चाहे इसमें जुड़ती हुई कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे तो हर एक की जो नज़र है वो चैम्बर के ऊपर है हर एक जो चाहता है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आज भी मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लखनपुर से और श्रीनगर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं जो यहाँ से मूव कर रही हैं तो उनके लिए हम लोग स्पेशली कोशिश करते हैं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है उनको नहीं आनी चाहिए चैम्बर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडर्स की नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट की नहीं आम जो जनता है उसकी भी नज़र है क्योंकि आज अगर देखा जाए तो इलेक्टेड बॉडी मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इलेक्शन जो हैं बहुत देर से हुए नहीं हैं और आने वाले समय में इलेक्शन जो है वो ड्यू भी है लेकिन क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो पब्लिक की गवर्नमेंट हो आज जो भी है एल साहब जो हैं आज की डेट में यहाँ सर्वे सर्वा हैं तो मैं समझता हूँ कि हर एक की नज़र जो है वो चैम्बर के ऊपर है और हम लोग जो हैं हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह जो भी प्रॉब्लम्स जो है हमारी पब्लिक को आ रही है उनको एड्रेस किया जाए कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके साथ हम लोग बातचीत करें Uh, मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा कि पिछले मैं क्योंकि मेरा ये दूसरा टेन्यूर है पहले टेन्यूर में भी हमने भरपूर कोशिश की उस समय तो कोविड का भी पीरियड था और कोविड के पीरियड में जो जो हमें करना चाहिए था यानी कि हमने यहाँ पर मेडिकल uh, कैंप भी लगाए हैं यहाँ पर लोगों के घरों तक खाना हमने पहुँचाया है और मैड उस दौरान में जो भी सर्विस जो है वो अपने ट्रेडर्स को दे सकते थे इंडस्ट्री को दे सकते थे हमने दी है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती थी जब गवर्नमेंट के साथ हमें वन टू वन करना पड़ता था उनके उनको कन्विंस करना पड़ता था कि जो एस उनके द्वारा निकलती थी हम उसके उसको फेवर नहीं करते थे बल्कि हम लोग जो है पब्लिक की फेवर में खड़े रहते थे और गवर्नमेंट को और मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कन्विंस करके हम लोग वो चीज़ें करते थे जो हमारे ट्रेडर्स या इंडस्ट्री के हक़ हाँ में होती थी और उसके बाद का पीरियड आप देखिए एक टाइम था दौर था जब मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स जो है वो हमें करने पड़ते थे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लेकिन आज का जो दौर है वो है इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स आ रही है डे टू डे प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं देखिए गवर्नमेंट ने आज की डेट में बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर उनका फोकस है कि हम जो जो कंज्यूमर हैं उनको अच्छे प्रोडक्ट मिले लेकिन उसके साथ साथ जो आज की पोजीशन है बिज़नेस कम्युनिटी की उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं डिपार्टमेंट लेवल पे हमें मीटिंग्स करनी पड़ती हैं और मैं समझता हूँ कि हम लोग इस सारे इशू को लेकर बहुत सक्सेसफुल हैं और लोगों की जो हमारे प्रति जो एक धारणा है जो उनको विश्वास जो है हमारे प्रति है हम कोशिश करते हैं वो विश्वास जो है वो बना रहे अभी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं एक ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एनफोर्समेंट जो है वो सिर्फ़ बिज़नेस कम्युनिटी के ऊपर आती है तो मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसे हालात भी होते हैं बिज़नेस मैं ये भी नहीं कहता कि भी बिज़नेस मैन जो है कभी गलती नहीं करता लेकिन जो गलती करते हैं उनको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि क्या वो वाकई में डेलीबरेटली कोई गलती की गई है या अन इंटेंशनल गलती की गई है हमारी कोशिश जो है वो इसी तरह की रहती है अभी मैं कल भी जी एस टी डिपार्टमेंट में जा कर के मैंने कल भी कुछ लोगों को लेकर के उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो एड्रेस करवाई हैं इसी तरह हमारा सिलसिला जो है वो चलता है हर एक की नज़र जो है चाहे वो बिज़नेस कम्यूनिटी के लोग हैं चाहे वो जनरल पब्लिक के लोग हैं जो जहाँ ऐसे लोग जो बाहर से भी आते हैं तो उनको भी लगता है कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो आज की डेट में कौन एड्रेस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ चैम्बर जो है इसमें हमें उसको ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमारे सामने आते हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पर जो कईयों के, के लोकल के साथ केसेस होते हैं कई के, के लोकल के केसेस बाहर वालों के साथ होते हैं हम उनके ऊपर भी पूरी तरह ईमानदारी से हम काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से रिवाल्व हो सकता अरन जी लोगों के लिए लड़ते लड़ते या बिज़नेस कम्युनिटी के लिए लड़ते लड़ते कई बार रिजेंटमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है कई बार ऐसे इशू सामने निकल कर आ जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यहाँ मैं सही था यहाँ पर हमारी बॉडी सही थी पर लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती हैं तो ऐसे में क्या चैलेंजेस रहते हैं खुद को प्रूव भी करना है काम को भी अपने जो है वो जस्टिफाई करना है और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर भी जो है वो खरा उतरना है मैं एक बात ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मैं बाकी साथियों को भी एक चीज़ बोलता हूँ क्योंकि हमने एक लाइन को चुना है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हमें मिलेंगे कि जो हमारे स्वभाव से अलग हट करके के हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हो सकता है कि हमारे काम जो हम लोग कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं वो उसको पब्लिक में अदर वे में प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि ये जो लाइन हमने चुनी है वो ईमानदारी से चुनी है कि हम लोग जो हैं वो पब्लिक की सेवा करेंगे इसमें बहुत सारे ऐसे वक्त भी आते हैं बहुत सारे इंस्टांस ऐसे आते हैं कि बहुत सारे लोगों के काम किए होंगे हमने सैकड़ों लोगों के काम किए होंगे ये जरूरी नहीं है कि वो हमें रिस्पॉन्ड करें वापस कि हाँ जी थैंक यू मैंने कभी ये महसूस नहीं किया इस बात को लेकर के जो लोग आते हैं उनके काम के लिए ईमानदारी से काम करते हैं और कोशिश करते हैं उनके काम हो जाए और कई बार ऐसे होते हैं कि काम हो जाते हैं उसके बाद कोई वापस मिलने नहीं आता लेकिन क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है हमें तो हमें जिस लिए उन्होंने चुन करके भेजा है कि उनकी कोई भी प्रॉब्लम है हमने जो राइट फॉर्म है राइट फॉर्म जो है वहाँ तक पहुँचाना है और हमारी कोशिश वही रहती है और कोई हमें इस बात को लेकर के कोई एप्रिशिएट करे ना करे मैं कम से कम अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं अरुण जी नींद कैसे आती है रात को जब इतने सारी जिम्मेवारियों के साथ घर जाते हैं और जहाँ बाहर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहीं कहीं ना कहीं परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंधों पर रहती है ऐसे में कभी होता है कि मुझे जाना है कहीं शादी में जाना है परिवार से फ़ोन आ रहा है लेकिन यहाँ डेलीगेशन मिलने के लिए आए हैं सिनेरियो चेंज हो रहा है कुछ प्रेशर है गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का और मैडम का घर से अलग <laughs> देखिए ऐसा है कि यहाँ पर बैठे हुए मैंने अपने मन में एक धारणा रखी है कि जब तक मैं जहाँ हूँ जब तक लोगों का विश्वास मुझ पे है परिवार की जो ड्यूटीज़ हैं वो रहेंगी अपनी जगह मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ की ड्यूटीज़ जो हैं उसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकूँ देखो पूरी उम्र में हमें परिवार के साथ ही रहना है और आज भी हम लोग परिवार के साथ ही हैं रात को तो अल्टीमेटली परिवार के बीच में ही रहना है लेकिन कई बार घर से कई बार इस तरह के एहसास आते हैं कि जब उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन हम लोग जो है वो समय नहीं दे पाते और हमारी कोशिश जो है वो तो प्रायोरिटी जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ के जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी प्रायोरिटी है लोग मैं समझता हूँ कि एक प्यार जो है लोगों का बनता है मैं इन शादियों के बीच की मैं बात करूँ अगर तो हर शादी में हमें जाना पड़ता है और मैक्सिमम लोगों के हमें इनविटेशन आते हैं कि भाई नहीं आपने आना है और हमने भी एक अपना एक बनाया हुआ है सिस्टम कि अगर किसी ने हमें प्यार से बुलाया है और हमें इनविटेशन आया है तो मैं चाहे एक दिन में चार फंक्शन अटेंड करूंगा पांच अटेंड करूंगा हो सकता है खाना घर पे जा कर के खाऊँगा लेकिन मैं पांच फंक्शन जो है वो मैं ज़रूर अटेंड करता हूं क्योंकि जिन्होंने इतने प्यार से बुलाया है तो उनके वहां तो जाना ही पड़ेगा वो नेचुरली जब आप इतने फंक्शन अटेंड करके घर पर पहुँचोगे तो हो सकता है कि घर वाले भी सो गए हों और आपको पता नहीं खाना मिले कि नहीं मिले तो ये चीज़ें जो हैं ये एक रूटीन मैटर है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसे हालात हैं क्योंकि लोग प्यार करते हैं घर वाले विश्वास रखते हैं तो दोनों चीज़ें जो हैं ये साइमल्टेनियसली चलती हैं और हम लोग विश्वास भी जो है उनका बना हुआ है उसको भी बनाते हैं जो प्यार है उसको भी हम लोग उनको वापस करते हैं इसी तरह लाइफ चलती है अरुण जी स्पोर्ट्स की बात करना चाहूँगा आपसे क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है आपने नेशनल लेवल पर खो खो और कबड्डी को जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बतौरे कप्तान और क्रिकेट का आपको काफ़ी शौक़ है दे पाते हैं अब समय क्या वो दौर था जब वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे कभी सोचा था कि आज खेल रहा हूँ एज अ कैप्टन और कल एज अ कैप्टन जम्मू की जनता को ऐज जम्मू के बिजनेस कम्युनिटी को डेट करूँगा देखिए एक मन में बात आती है कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे दौर में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहाँ थी और प्रमोशन कहाँ थी इंफ्रास्ट्रक्चर ना परिवार लेवल पर होती थी फैमिली लेवल पर भी इतनी प्रमोशन नहीं मिलती थी और स्पोर्ट्स काउंसिल जो है जो आज की डेट में बड़ी प्रोएक्टिव है कहाँ उनके पास समय होता था कहाँ उनके पास फंड्स होते थे और जो फंड्स होते भी थे वो उन्हीं के लिए होते थे मैं उस दौर की बात करता हूँ जब मैं अभी स्टूडेंट था देखिए एमरजेंसी का एक पीरियड था एमरजेंसी के पीरियड में मैं फ़ुटबॉल भी मैंने खेला मैंने क्रिकेट भी खेला मैंने बैडमिंटन भी खेला वो दौर था कि हमें मैं क्योंकि संग में जाता था शाखा में जाता था तो उस समय क्योंकि संग नहीं लगती थी शाखा नहीं लगती थी हम लोग जो है वो शिफ्ट हो गए कि चलो जी बैडमिंटन खेल लो फिर किसी दिन फुटबॉल खेल लो फिर संडे को क्रिकेट खेल लो तो इसी तरह दौर चलता रहा लेकिन कबड्डी और खो खो जो है क्योंकि मेरी एक पॉपुलर गेम्स थी मैं जो इंटर कॉलेज होते थे इंटर यूनिवर्सिटीज़ होती थी और नेशनल लेवल पे भी मैंने दोनों गेम्स में पार्टिसिपेट किया और दोनों में एज़ कैप्टन भी मैं बाहर गया मुझे मौका मिला एज़ मौ, कैप्टन भी बाहर जाने का तो मैं समझता हूँ कि वो जो दौर था उसमें किसी तरह की भी हमें स्पोर्ट जो है चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू हो चाहे वो फैमिलीज के थ्रू हम लोग क्योंकि एक्टिव थे थोड़े से और मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा आपको आज, आज मतलब लोग दौड़ते हैं तो एक मतलब मैराथन टाइप जो है वो एक इवेंट बन गया जब हम लोग दौड़ते थे मैं अपने घर से दौड़ना शुरू करता था मैं नगरोटे तक दौड़ता था और आज अगर किसी जाना हो इतनी दौड़ लगानी हो तो वो तो प्राइस देगा मेरा डिस्टेंस भी कम हो गया उस टाइम के और डिस्टेंस भी कम हो गया लेकिन उस समय जो था हमारी जो है हम फिज़िकल एक्सरसाइज हमारी शुरू से ही रही और कोशिश मैंने शुरू से ही रखी अपनी कि भाई अपना फ़िज़िकली मैं फ़िट रहूँ थोड़ा और उस समय जो है हम लोग देखते थे कि हम लोग जब दौड़ना शुरू करते थे तो कोई रुकते ही नहीं थे लेकिन आज वही जो है वो इवेंट बन गया आज वो मैराथन जो है उसमें लोग पार्टिसिपेट कर वाला मैराथन हाँ वॉकथन वो देखिए अभी कोई कोई जाता है बॉम्बे कोई जाता है दिल्ली तो हमारे टाइम में ये एक्टिविटीज़ थी ही नहीं तो ये जो चीज़ें हैं क्योंकि हमने उस समय स्पोर्ट्स में बहुत कोशिश की और क्योंकि मैं ये देखता था कि पे क्योंकि स्पोर्ट्स जो कौंसिल बनी हुई थी उस समय हमारे वीसी जो है उन्हीं के अंडर ये सारी चीज़ें होती थी लेकिन प्रमोशन जो है उनकी तरफ से नहीं होती थी आ, आज की डेट में रिफ्रेशमेंट की बात है उस समय जो हम लोग खेलते थे तो रिफ्रे, रिफ्रेशमेंट भी अपने जेब से ही हमने ख़ुद से ही खर्च करते थे आज के और उस समय के टाइम में बड़ा डिफरेंस आ गया आज जिस तरह से प्रमोशंस दी जा रही हैं जिस तरह से आज भी, भी मैं देख रहा हूं कि एलजी साहब ने बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको प्राइजेस दिए हैं तो ये मतलब एक एक दौर चेंज हो गया एक युग चेंज हो गया और आज के डेट में स्पोर्ट्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पे भी मैं कहूँगा और चाहे लोकल लेवल पे ही कहूँगा कि आज स्पोर्ट्स की बड़ी अहमियत है और उसको बड़ा ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है अरुण जी फ्री टाइम में क्या करते हैं कभी गाड़ी अकेले चला रहे हैं कोई गीत गुनगुना रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या फ़ोन में किस प्रकार जो फ्री टाइम होता है उसको कैसे पास करते हैं क्या करते हैं उस देखिए फ्री टाइम आम तौर बहुत कम है बहुत मतलब ऐसा टाइम ही नहीं मिलता कि हमें कोई फ्री टाइम हो और जब होता है तो मैं समझता हूँ कि दोस्तों के साथ मिलकर के बातचीत करते हुए और ऐसे ही टाइम निकले और हँसते हुए टाइम निकले उसी की कोशिश जो है वो रहती है कोई गीत ऐसा जो कमी अकेले में या अपने लिए या अपनी लाइफ को लेकर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल को लेकर आप गुनगुनाते हैं एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से ना एक शौक जो था हर चीज़ का शौक था एक फैमिली से ना हमें मुझे एक एडवांटेज था अपनी फैमिली में क्योंकि हर चीज़ मिल जाती थी मांगने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी मिल जाती थी आप यकीन करें कि मैं तेरह साल का था जब मैंने गाड़ी की जाच सीखी थी मतलब उस समय एम्बेसडर गाड़ी और आज की डेट में एम्बेसडर गाड़ी जो है वो कोई चला ही नहीं सकता तो उस समय तेरह या चौदह साल का मैं था जब मैंने एक मतलब गाड़ी की जाँच सीखी थी तो उस समय जो शौक़ ये थे कि हम लोग जब जब पाँच सात दोस्त दोस्त बैठते थे और दोस्त भी क्योंकि वो जो दोस्ती थी बड़ी मैं समझता हूँ कि आज वैसे दोस्ती नहीं होती आज उससे भी अच्छी है लेकिन वो जो दोस्ती थी ना वो प्यार की दोस्ती थी वो फैमिली की दोस्ती थी और उस दोस्ती में कभी बैठे कभी गाने गुनगुना देते थे कभी स्पोर्ट्स की बातें कर लेते थे कभी और इस तरह से चलता रहता था तो ज़्यादातर टाइम जो है वो दोस्तों के साथ अच्छा निकला बस ऐसे ही कोई सुनाएंगे क्या गीत जो आप दोस्तों के साथ गुनगुनाते थे या आज भी जुबान पर कई बार आता है चाहे वो हमारे में नॉर्मली कहते हैं बाथरूम सिंगरी से मैं कई बार हम लोग गुनगुनाते थे अब बड़े देर हो गई गी। अब गीत भी याद करना बहुत मुश्किल हो गया लेकिन मैं एक गीत की पंक्ति आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ एक गीत है जो शायद संजीव कुमार की पिक्चर थी बहुत पुरानी पिक्चर है और मैं समझता हूँ कि वो गीत जो है वो कई बार मैं गुनगुनाता भी था और हम लोग जो है कई बार पब्लिकली भी हम लोग इन, इस गीत को बोल देते थे बहुरे ताल मिले नदी के जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना बुरे ताल मिले नदी के जल में क्या बात आप मल्टी टैलेंटेड आए स्पोर्ट्स एक तरफा बिजनेस कम्युनिटी एक तरफा सिंगिंग आपकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अरुण जी प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें दो और आपने काफ़ी देखे हैं कहाँ देख रहे हैं जम्मू कश्मीर को बदलाव क्या देख रहे हैं देखिए एक चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि जम्मू जो है बदल रहा है कश्मीर को लेकर के मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि कश्मीर को एक एडवांटेज है जो कुदरत की तरफ से जिसकी वजह से टूरिस्ट जो है वहाँ पर उसको मतलब एक अट्रैक्शन मिलती है बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं जम्मू में जो लोग आते हैं मैं ये कहूँगा कि जब 86 में जगमोहन जी ने जब यहाँ पर एक गठन किया था श्राइन बोर्ड का उसके बाद से श्राइन मतलब माँ वैष्णो देवी यात्रा जो है उसके बाद बढ़ना शुरू हुई आज लगभग लगभग 95 फाइव लैख जो है लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं जम्मू में आहिस्ता आहिस्ता फुटफॉल जो है वो कम होता जा रहा है डेवेलपमेंट की कमी नहीं है मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस तरह से आज हर तरफ कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं बालाजी का मंदिर जो है यहाँ पर बन गया माँ वैष्णो देवी जो है वो हर एक के लिए एक पवित्र स्थान है शिवखोड़ी जो है जो कभी कुछ लोकल लोग वहाँ पर विज़िट करते थे आज वहाँ पर भी 10 से 15 लाख लोग जो है वो विज़िट करना शुरू कर गए लेकिन क्या है कि एक फोकस जो है जम्मू हमेशा इग्नोर रहा जम्मू जो है फोकस में नहीं रहा यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है अगर हम देखें पत्नी टॉप पत्नी टॉप एक ऐसा एरिया है अगर उसको डेवलप किया जाए वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू की जाए अब पीडीए जो बना जब पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है बनी तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत थी बल्कि ऐसा एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए था आज लोग पहलगाम जाना चाहते हैं लोग गुलमर्ग जाना चाहते हैं कश्मीर में जाना चाहते हैं तो वो इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पर उनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ मिलती हैं जम्मू का जहाँ तक मैं कहूँ आज की डेट में भी इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ ही नहीं है हमारे परिवार वहाँ जाना चाहते हैं क्लाइमेट को इन्जॉय करना चाहते हैं एक दिन के लिए जाएंगे दो दिन के लिए जाएंगे दूसरे दिन ही वहाँ से वापस निकलेंगे क्योंकि उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं सोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ सोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर उसमें कमी है बच्चों के लिए कोई वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है अगर आप आपका मन में है कि मैंने कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट कोई चीज़ जो है टेस्ट करनी है वहाँ आपको कुछ खुशी नहीं मिलेगी अगर जैसे लेडीज़ का एक रहता है लोग लेडीज़ जाती हैं मार्केट में जाती हैं थोड़ा सामान जो है वो देखती हैं कोई पसंद आ जाए वो लेकर के आ जाती हैं पर वो चीज़ नहीं है हिमाचल की बात करें चाहे हिमाचल में अगर, अगर आप मंडी में चले जाइए ये अपना शिमला में चले जाइए और धर्मशाला में चले जाइए कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर फुटफॉल जो है वो बढ़ेगा तो ये रिस्पॉसिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं आप पर भी आयत होती हैं क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड कर रहे हैं क्या रहा रहता है टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें देखिए मैंने बहन तरफ तर... से मैंने अपनी तरफ से बहुत बार रिप्रजेंटेशंस दी है इस बात को लेकर के कि भाई आप पत्नी टॉप में कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको शुरू करिए देखिए आज भदरवाह जो है एक नोड है कल तक भदर भद्रवाह जो है जैसे उस समय मैं ये बात करूँगा दो हज़ार में जिस तरह से भद्रवाह को एक नया प्रोजेक्ट मिलना शुरू हुआ था और लोगों का वहाँ पर जाना शुरू हो गया था टूरिस्ट जो है वो टूरिस्ट मैप में आ गया था और जाना शुरू हो गए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको जिस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए था वो नहीं बढ़ाया बढ़ाया गया यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज़ की कोई कमी है देखिए यहाँ पर बनी स्टेशन है बनी स्टेशन जो है उसका क्लाइमेट जो है मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह होगी यहाँ पर जहाँ का क्लाइमेट जो है वो बनी के साथ मैच करता हूँ बनी सरथल सारा लेकिन लेकिन क्योंकि वहाँ वो किया नहीं गया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सेवेंटी नाइन में मैं यहाँ बसोली से बसोली टू भद्रवा ट्रैकिंग पे गया था। और जो उसके बीच के जो एरियाज़ हैं जैसे बनी है चाहे वो सरथल है अगर उसको डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि मतलब टूरिस्ट जो है मैं समझता हूँ कि फ़ॉरन टूरिस्ट जो है ऐसी जगहों पर आने की कोशिश करें कि ये जो नई चीज़ें जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी का फोकस जो है वो नहीं रहा आज की डेट में हम लोग जूझ रहे हैं जम्मू के लोग जो है स्पेशली अभी की डेवलपमेंट जो है उसको रोका नहीं जा सकता डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही है और मतलब होनी ही चाहिए ये हमारी भी डिमांड थी कि डेवलपमेंट जो है होनी चाहिए आज रोड जो है वो कश्मीर तक किस तरह से बन गए यहाँ बारह घंटे लगते थे अब चार घंटे लगेंगे तो ट्रेन जो है पहले जम्मू तक आई उसके बाद कटरा गई अब कश्मीर में जा रही है तो ये डेवलपमेंट के जो प्रोसेस हैं इसको रोका नहीं जा सकता लेकिन जिस तरह से इस डेवलपमेंट के अंदर जम्मू जो है वो सफर रहेगा आज की डेट में यहाँ पर नई चीज़ें जो है वो डवेल्प करने की ज़रूरत है ताकि फुटफॉल लोगों का क्योंकि जम्मू भी एक ऐसा प्लेस है यहाँ पर कोई एक दिन के लिए दो दिन के लिए आज की डेट में यहाँ देखिए जो टूरिस्ट आते हैं जम्मू तो टूरिस्ट का अट्रैक्शन का कोई रीज़न नहीं है यहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको देखने के लिए टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आ कर के ठहर सके एक दिन के लिए दो दिन के लिए माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं वहाँ से ही सीधे वापस चले जाते हैं आजकल एक नया शुरू हुआ है और टूरिज़्म मैं डिपार्टमेंट को भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि उनकी तरफ से एक प्रयास जो है वो ज़रूर हुआ है कि लोग पत्नी टाप तक जाए देखिए यहाँ पर माँ सुद महादेव है हमारा सुद महादेव जो है कहते हैं कि भगवान शिव की शादी जो है सुद महादेव में हुई गोरी कुंड है वहाँ पर लेकिन हमने इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया अगर हम लोग जो हैं जैसे हम पिलग्रिम जहाँ से हम लोग वाराणसी जाते हैं भगवान शिव के जो वहाँ पर स्थल हैं उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं अगर यहाँ से हम लोग उज्जैन जाते हैं तो किस लिए जाते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर भी तो ऐसे स्थान हैं जिनके दर्शन के लिए लोग आ सकते हैं यहाँ पर लोग लो रुक सकते हैं लेकिन क्योंकि एक तो इन उन चीज़ों को डेवलप नहीं किया गया और दूसरा आज की डेट में अगर कोई कमी है वो चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करने की जरूरत है वर्ल्ड लेवल वर्� पर मतलब नेशनल लेवल पे तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है ही है लेकिन वर्ल्ड लेवल पे भी उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर भगवान शिव की शादी हुई थी यहाँ देखिए ये ये एक जम्मू जो नगरी है ना जम्मू की नगरी जो है ये बलिदानों की नगरी है मतलब इसके ऊपर कोई बेसिकली कोई सोच ही नहीं रहा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स जो हैं हम जैसे लोग जो हैं उनकी इन्वालमेंट बहुत ज़रूरी है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं बंदा बैरागी जो है यहाँ पर बलिदान हुए हैं अब देखिए ये मतलब मैं ये कहता हूँ कि दफ़ा 370 आज हटी लोग लोगों ने सभी ने खुशियाँ बनाई लेकिन उस खुशियों में हम लोगों ने उन लोगों को बुला दिया जिन लोगों ने उस टाइम में बलिदान दिए 370 हटाने में कितने लोगों ने बलिदान दिए उसको हम बोल गए उनके लिए हमने क्या किया उनके लिए ऐसा कौन सा ऐसा हमने चीज़ जो है वो डेवलप की कि लोग याद करें कि ये है क्या चैम्बर इनिशिएट लेने वाला है इन तमाम मुद्दों को लेकर जैसे आपने सुदमहादेव का जिक्र किया पत्नी टॉप का जिक्र किया तीन सौ सत्तर में बलिदानियों का जिक्र किया चैम्बर का क्या इनिशिएटिव रहने वाला है चैंबर किस प्रकार जो है इन तमाम चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर ला कर जो है वो रिप्रेजेंट करें देखिए मैंने हमेशा कोशिश की है मैंने अपनी बात जो है हर जगह पहुँचाने की कोशिश की है कल भी हमारे पास एक फॉर्मर राज्यसभा मेंबर जो है यहाँ पर आए थे मिस्टर विनय बुजे वो उनके साथ भी मैंने बातचीत में ये कहा कि देखिए इस तरह के जो यहाँ पर मतलब जैसे मैंने कहा बलिदान स्तंभ जो हैं यहाँ पर बन सकते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जो है विधवा तीन सौ सत्तर हटाने में हुआ दफा तीन सौ सत्तर हटाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उनका बलिदान जो है वो सबसे बड़ा हमारे लिए तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग कोई ऐसी चीज़ उनके नाम की बनाते हैं देखिए आज गुजरात में लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जो चीज़ दी है जो मैं समझता हूँ कि जो अपना वहाँ पर एक स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया है तो लाखों लोग जो है आप ये देख रहे हैं कि लाखों लोग विज़िट करने के लिए जा रहे हैं तो ऐसी चीज़ जो है क्योंकि जम्मू भी जम्मू की डिमांड जो है वो इतनी ही है कि यहाँ पर लोग आए एक दिन के लिए यहाँ पर स्टे करें हम लोग ज़्यादा दिन की बात ही नहीं करते ताकि यहाँ के जो होटल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकें जो ट्रांसपोर्टर्स हैं आज की डेट में ये देखिए कि कितनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको फ़ेस करनी पड़ रही है क्योंकि ट्रेन सीधे जा रही नहीं रोड्स जो हैं वो ओपन हो गए तो ये जो हमारे सेक्टर हैं ट्रांसपोर्ट है होटेल्स हैं और जनरल पब्लिक जो रोड साइड बिज़नेस करने वाले लोग हैं आज की डेट में उन लोगों को कुछ काम की ज़रूरत है आज लोग परेशान हैं तो वो जो परेशानी है तभी दूर होगी जब गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर फोकस करेगी कि किस तरह से हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है जम्मू के लिए हम दें ताकि यहाँ पर भी लोग आएं, यहाँ पर लोग स्टे करें और उन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है अभी की डिपकाम साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं जैसे शिवखुरी को जिस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है उसी तरह से बाकी के जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन लोगों को भी हम लोग जो है किसी ना किसी तरह से हाईलाइट कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि उन लोगों को उन चीज़ों को पहले डिवेल्प करने की ज़रूरत उन जहाँ पर भगवान शिव का वहाँ पर मंदिर है महादेव ने और उसके आगे पीछे इस तरह से माहौल है कि आपको मंदिर का पता ही नहीं चलता तो ऐसी चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है जिस तरह से हम लोग बाकी जगह पर इस तरह की डिवेलमेंट्स कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर भी लोगों को इनक्रेज करें उन लोगों को कहीं से कहीं अलग जगह पर उनको स्पेस दें रहने के लिए बनाने के लिए और उस एरिया को इस तरह से डेवलप करें कि लोग जो हैं उनका फुटफॉल जो है वो बढ़ सके और मैं समझता हूँ कि जम्मू जो है क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई क्लाइमेट नहीं उनको एन्जॉय करने के लिए आ सकता है और अदरवाइज़ भी मैं समझता हूँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं है जिसको देखने के लिए अभी की आर्टिफिशियल लेक जो है हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत देर से काम चल रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई रिवर तवी फ्रंट जो है उसका काम चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमारा फुटफॉल जो है वो यहाँ पर किस तरह से बढ़ सके और यहाँ के लोग जो हैं मैं समझता हूँ कि नेशनल नेशनलिस्ट लोग हैं और नेशनलिस्ट लोग जो हैं क्योंकि आज बॉर्डर जो है हमारा सारा डिस्टर्ब उस बात को भी महसूस करना चाहिए कि उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो देना चाहिए ताकि लोग जो हैं देखिए यहाँ पर जो आ, अपना सुचेतगढ़ में वहाँ पर शुरू हुआ प्रोग्राम वो वीकेंड पे प्रोग्राम चलता है लोग आते हैं बहुत सारे लोगों ने आना शुरू किया है उसको शायद एक्सटेंड अभी अभी, अभी, किया अभी तीन दिन के लिए चल रहा है तो आने वाले समय में हमको यही हमारी सोच रहेगी हम इनक्रेज भी कर रहे हैं हम लोकल लोगों को भी कह रहे हैं कि आप वहाँ पर विज़िट करिए लोकल लोग विज़िट करेंगे एक मैसेज जो है वो कन्वे होता है बाहर में जो बाकी स्टेट्स हैं कि वहाँ पर इतने लोग जो हैं वो डेली विज़िट करते हैं तो लोकल लोग भी विज़िट करें बाहर से लोग भी आए तो वो जो प्लेस है वो इम्पॉर्टेंट प्लेस बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर है हम अपने डिवार्स तो रखते रहते हैं लेकिन आ, मुझे लगता है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है उसके लिए सारी चीज़ें इजी होती हैं अभी की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उनका फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन हमारी जो अपनी पर्सनल मैं ये कहूँगा कि ये जो छोटी छोटी डिमांड्स हैं ये किस तरह से मीटअप हो सकती हैं इसके लिए प्लान करना बड़ा अरुण जी काफ़ी बड़ा संगठन है ऑर्गेनाइजेशन है चैम्बर टीम वर्क रहता है चाहे वो इसको ले किसी भी फेवर को लेकर लोगों की भलाई के लेकर चाहे वो आप एजेशन कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीटिंग्स कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ गवर्नमेंट के साथ तो एक टीम वर्क रहता है कैसे चल रही है आपकी टीम क्या कोई मतभेद तो नहीं आ जाता क्योंकि आपने खुद ही बताया कि बातें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं अलग अलग आइडिया सबके पास रहते हैं सबकी सोच अलग रहती है ऐसे में उस टीम को साथ लेकर चलना उनके आइडियाज़ को जो है कन्फ्रंट कर कर एक प्लेटफॉर्म पर लाना और आने वाले समय में जो भी आपके स्टेप्स रहने वाले इनिशिएटिव्स रहने वाले हैं क्या मैसेज रहेगा पूरे बिजनेस कम्युनिटी को चैम्बर कम्युनिटी देखिए मैं समझता हूँ कि परिवार भी होते हैं उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो कहीं ना कहीं रहता है और रहना भी चाहिए अगर मेरे मन में एक चीज़ आ जाए कि मैंने जो कहा अब वो पत्थर की लकीर है वो चेंज नहीं हो सकती तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं कर रहा बल्कि मैं एक आइडिया पर्सनल तो पर्सनल जो इम एक इमेज है वो होनी चाहिए कि हम सबको सुने और सबको साथ ले करके चलें सारे ने हमेशा कोशिश की है और आज की डेट में भी जो हमारा पिछला टैन्य था उसमें भी हम सभी इकट्ठे चलते थे आज की डेट में भी कई बार लोग कहते हैं कि आप तो सारे इकट्ठे ही चलते हो यहाँ हाँ देखिए पर्सनल प्रॉब्लम्स किसी की हो सकती कभी मैं यहाँ पर नहीं हूँ कभी मेरे दूसरे साथी कोई नहीं है कभी तीसरा साथी नहीं है लेकिन अदरवाइज़ हम जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी मूव करते हैं मेरी कोशिश यही रहती है कहीं डिपार्टमेंट लेवल पे भी जाए कहीं किसी भी रिप्रेजेंटेशन को मिलने के लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए जाए कोशिश यही रहती है कि हम लोग इकट्ठे जाएँ और एक मैसेज जो है हम पब्लिक में देना चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं और क्योंकि इकट्ठे रहने में देखिए दो चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तभी हम लोग उसकी एक्टिविटीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं जब हम लोग इकट्ठे हैं अगर हर एक व्यक्ति जो है वो अपना अपने अपनी बात करना शुरू कर देगा और अलग अलग तरीके के साथ चलना शुरू कर देगा तो फिर इसका मतलब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं समझते पॉलिटिक्स बड़ी इन्वॉल्व रहती है होता कभी कि यहाँ अंदर बात कुछ हुई है टेबल पर बात कुछ हुई है लेकिन एक प्लानिंग आपके खिलाफ चल रही है कि यार इस बार दो टेंडर हो गए या तीसरा टेंडर नहीं आने देना वही लोग जो साथ लंच कर रहे हैं साथ चाय पी रहे हैं और पता चलता आपको कि बैग बैटिंग ये हो रही है और मेरी कुर्सी जिस पर एक अहम कुर्सी ये रहती है पॉलिटिकल चेयर भी मैं इसको वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों की नज़र भी इस पर रहती है तो कैसा लगता है उस वक्त कि यार अभी तो साथ थे और अभी मुखालफत चल रही देखिए मैंने पहले एक बात कही आपको कि हर व्यक्ति जो है वो आपके मुताबिक चले ये ज़रूरी नहीं है लेकिन कोशिश यही रहती है कि सबको साथ ले करके चलें और अगर कोई साथ नहीं चल रहा तो उसकी कई बार अपनी मजबूरी होती है मैं तो इस नज़रिए से लेता हूँ इन चीज़ों को कि अगर कोई मेरे साथ चल रहा है और उसको लगता है कि नहीं आला सडन की नहीं जी मुझे अब चेंज करना है तो वो अपनी कन्विन्स के हिसाब से वो बातचीत करेगा लेकिन मेरे मन में एक ही चीज़ है कि जब तक मैं चेयर पे हूँ अब मैं अगली इलेक्शन की बात अभी से करना शुरू करूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई अब जस्टिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जिस काम के लिए लोगों ने यहाँ पर बिठाया है जिस काम के लिए लोगों ने चुन करके यहाँ पर भेजा है अगर मैं उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करूँ तो मुझे आगे आने की फिर से मतलब इलेक्शन लड़ने का मुझे बिल्कुल भी हक नहीं है पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं परफॉर्म करूँगा हाँ जब इलेक्शन का समय आएगा उसके बाद उस समय मैं फिर से लोगों के बीच में जाऊँगा कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है आप मुझे मौका दीजिए अगर आपको लग रहा है कि जो आप चेंज करना चाहते हो आप चेंज करें वो तो लोगों का हक है लोग उन लोगों इसमें बिल्कुल क्लियर है कि आप ये नहीं सोच सकते कि इन सौ लोगों ने पिछली बार मुझे वोट दिया था कि इन इन सौ के सौ मुझे वापस मिला भी। तो भी। हो सकता है उसमें नब्बे आपको तो मिले हो सकता है अस्सी मिले क्योंकि जो भी नए चेहरे आते हैं कई बार शिफ्टिंग होती है बोर्ड की शिफ्टिंग होती है तो मुझे ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ मैं आज की डेट में ना तो इलेक्शन की बात सोचता हूँ ना मुझे अभी इस इलेक्शन के बारे में कोई बात करनी है प्रेजेंटली मुझे क्या करना चाहिए प्रेजेंटली मुझे क्या लोगों के हित में खड़े होकर के किस तरह से काम करना चाहिए डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लेवल पे कैसे बातचीत करनी चाहिए पब्लिक में किस तरह से बात करनी चाहिए ऑफिस बिररर को किस तरह से अपने साथ इकट्ठे रखना चाहिए मेरी सोच जो है वो आज की डेट में है अरुण जी आपने अपना कीमती समय में दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस खास मुलाकात एपिसोड में हमारे साथ सी सी आई प्रेजिडेंट अरुण गुप्ता जी थे जिन्होंने विस्तार से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की खासतौर तो पर बात करें तो बढ़ते जम्मू डेवलपिंग जम्मू को लेकर जो है काफ़ी अहम बातें इनकी तरफ से की गई हैं जिसमें स्पेसिफिकली बात करें पत्नी टॉप की सुध महादेव की खोड़ी की ऐसे तमाम स्थल हैं यहाँ पर धार्मिक स्थलों की बात करें पर्यटक स्थलों की बात करें ऐसी जगहों पर किस प्रकार जो है वो फुटफॉल बढ़ाया जाए किस प्रकार जो है वो टूरिज़्म का आगमन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके लिए चैम्बर जो है वो तत्पर है और तमाम वो प्रयत्नित रह तमाम वो प्रयास जो है वो लगातार करते रहे और आने वाले समय भी जो है अरुण गुप्ता जी उनको पूरी अपनी टीम को लेकर पूरी चैंबर कम्युनिटी को लेकर जम्मू के लोगों को साथ लेकर उसके लिए जो है वो जद्दोजहद करती रहेगी अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए राजू सिंह और शुभम के साथ मुझे रोहित शर्मा को दीजिए इजाज़त नमस्कार टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए हाई नाइन सेवन टू एट टू फाइव थ्री सिक्स सिक्स थ्री पर